हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम हमारा वीकली जो वीडियो का सीरीज़ है वो हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए निफ्टी का व्यू बताऊंगा और आने वाले हफ्ते में मैंने आपके लिए कौन से स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं वो बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो हम जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है। ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों ईएमए एक दूसरे के ऊपर है। मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे जो है निफ्टी जो है बड़ी तेज़ी में दिख रहा है। इसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे कि निफ्टी ने पहले 20 को टेस्ट करा, फिर 50 को टेस्ट करा, अभी ये 100 ईएमए को टेस्ट करने नीचे आया था और 100 ईएमए को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है फिर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका लाइफ टाइम का हाई था उसको ये अभी रेजिस्टेंस दिखा रहा है और वहाँ से यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई है। मेरा ऐसे अनुमान है, इसको हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे थोड़ी सी गैप बची हुई है। इस गैप को टच करके हो सकता है यहाँ पे 2-3 दिन ये हॉल्ट करे, आने वाले हफ्ते में इस तरह से कुछ कैंडल्स बनाए, राइट। उसके बाद ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये था निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। बढ़ते हैं, इस हफ्ते मैंने आपके लिए कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं इसी सेटअप के ऊपर। ये सेटअप आपको अगर नहीं पता हो तो ये ईएमए 20, 50, 100, 200 की एक स्ट्रैटेजी है, जिसे बहुत लोग गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं, बहुत लोग मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसे ईएमए कॉन्ट्रैक्शन सेटअप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ईएमए जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उसके बाद जब खुलती हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब एक्सपांशन आए हम उस स्टॉक में राइड करें, वो हमारा फोकस रहता है। तो सबसे पहला स्टॉक जो है इस हफ्ते का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है आईआरबी। आईआरबी जो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले दिखाना चाहूँगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ऐसे बहुत समय से ट्रैक कर रहा था। तो यहाँ पे ये ईएमए ब्रेक करके नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ था, फिर ब्रेक करके नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा था। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं चल रहा है, तो मैंने इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दिया। तो मुझे दिख गया कि हाँ, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना ईएमए कॉन्ट्रैक्शन का सेटअप बना रहा है। और ये जो मैंने एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करके रखा था बहुत समय पहले, जो था 256 के आसपास, वो ये रेस्पेक्ट कर रहा है। इस हफ्ते भी इसने इसके ऊपर जाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जैसे क्लोजिंग देगा, मतलब 256 के ऊपर जैसे ही एक 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगी, हम इसमें हमारी एंट्री ले लेंगे और इसका जो 200 ईएमए है उसका हम स्टॉप लॉस इसमें लेके इसको राइड करेंगे फंड रेशो 3 टारगेट के लिए। तो ये था पहला स्टॉक आईआरबी। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक जो है वो है डी लिंक इंडिया। सेम सेटअप है, आप देख सकते हैं ईएमए सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, 200 ईएमए नीचे सपोर्ट लेके खड़ा है, 2 बार इसका सपोर्ट का टेस्टिंग भी हो गया है। और यहाँ पे जो एक इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है जो है 287 और 288 के आसपास, यहाँ पे जैसे ही 30 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगी, नीचे से ओपन होके ऐसे ऊपर जाके जब क्लोजिंग देगी, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे इसमें और 200 ईएमए का स्टॉप लॉस लेके इसको भी हम राइड करेंगे। इसमें हमारा जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 1:3 का रहेगा। मतलब अगर हम 1 रुपये की रिस्क लेंगे तो कम से कम 3 रुपये का मुनाफा हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1:3 के टारगेट के अनुसार। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगले स्टॉक का नाम है केपीआईटी। केपीआईटी जो है वो अपने अवर्ली टाइम फ्रेम से ऑलरेडी निकल चुका है लास्ट वीक में। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट कैंडल दी है, आप देख सकते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ से पूरी ईएमए ये कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ नीचे आया, 200 पे सपोर्ट लिया यहाँ से, और यहाँ पे इस कैंडल ने, इस पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। ये एक अवर्ली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनी जिसने इस रिसेंट स्विंग हाई को तोड़ दिया, राइट। तो यहाँ से हमारा ब्रेकआउट ट्रिगर हो गया केपीआईटी में, लेकिन केपीआईटी ने अभी तक अपना टारगेट नहीं दिया है। अवर्ली टाइम फ्रेम पे जब ये बाहर निकलता है तो कम से कम 20% अपने ब्रेकआउट एरिया से भागता है। मतलब यहाँ पे अगर ये 710 रुपये के आसपास अगर इसने ब्रेकआउट करा है तो 20% आप ऐड करेंगे तो लगभग 140 या 150 रुपये आते हैं। यहाँ से वो 150 रुपये ऊपर भागना चाहिए, मतलब 710 से लेके 860 की एक इसको रैली करनी चाहिए। अब तक इसने अपना ब्रेकआउट ही दिया है, भागना शुरू नहीं किया है। तो इसमें हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं मंडे को और 686 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो इसका 200 ईएमए का सपोर्ट है, और मिनिमम 1:3 के लिए हम इसमें राइड करेंगे। तो ये था दूसरा स्टॉक केपीआईटी। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगले स्टॉक का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव। एस्ट्रा माइक्रोवेव आप देख सकते हैं
3 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 EMA का भी टेस्टिंग हो गया है, एक बार, दो बार, और यहाँ पे तीसरी बार टेस्टिंग करने नीचे आ रहा है। ये जो मैंने एक ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जैसे यहाँ पे 3 घंटे की कोई कैंडल इस ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज देगी, नीचे से ऊपर जाके क्लोज देनी चाहिए, तभी हम हमारी इसमें एंट्री करेंगे और 200 EMA का इसमें स्टॉप लॉस लेके राइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे कम से कम 3 घंटे की कैंडल जब बन के क्रिएट होके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए इस ट्रेंड लाइन के, तभी हम एंट्री करेंगे, तब नहीं तो हम इसको सिर्फ अपने वॉचलिस्ट में ही रखेंगे। अगला स्टॉक इस हफ्ते का जो है आखिरी स्टॉक, उसका नाम है इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स आप देख सकते हैं मैंने एक इसमें रेजिस्टेंस की लाइन भी ड्रॉ करी है 253 के आसपास, वो रेजिस्टेंस लाइन 3 घंटे की, जैसे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगी उसमें हम हमारी एंट्री लेंगे। सारे स्टॉक्स में जो सेटअप है वो सेम या सिमिलर आपको देख सकता है। EMA कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर हम फोकस करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन से जैसे ही प्राइस बाहर निकलता है उसमें हम हमारी एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, राइट। और यहाँ पे 200 EMA का स्टॉप लॉस लेके हम इसे राइड करेंगे, मिनिमम 1:3 का टारगेट लेके राइड करेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक्स मैंने आपके लिए इस हफ्ते के लिए निकाल के रखे हैं। हर हफ्ते हम अभी मिलेंगे, मैं आपको कुछ स्टॉक शेयर करूंगा, आप इसमें ट्रेड नहीं लें तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ऑब्जर्व करिए चार्ट्स को, सीखते रहिए। हो सकता है आप सीखते सीखते खुद ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना सीख जाएं और इसमें ट्रेड लेना भी सीख जाएं, राइट। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप डिसिप्लिन फॉलो करिए और रिस्क को मैनेज करिए, क्योंकि यही दो मात्र हथियार हैं एक रिटेल ट्रेडर के पास। धन्यवाद।